धन्यवाद सभापति महोदय जी। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का आपने समय दिया। गोपालगंज जिला के और बिहार में पिछड़े कई दिनों से समाज के समान वेतन के लिए माध्यमिक शिक्षक और नियोजित शिक्षक संघ, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, वित्त रहित शिक्षक और बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के जवान अपने निम्नलिखित मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे हैं। इनकी समस्या संख्या करीब लाखों में है। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य, नवजात शिशुओं को देखभाल, ग्रामीण विकास आदि कार्य की जिम्मेवारी इन्हीं लोगों पर टिकी हुई है। लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, सामान्य कार्य और सामान्य अधिकार को मानदेय को लेकर के बिहार सरकार के लचर व्यवस्था के विरुद्ध कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अनशनकारियों से बातचीत करने के बावजूद बिहार सरकार लाठीचार्ज या बर्बरतापूर्ण तरीके से उनकी मांगों को दबाने का प्रयास कर रही है। हम सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को मांग को मानने के लिए बिहार सरकार को तत्काल आदेश दिया जाए। हम माननीय सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित इस पर भी कराना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, फिर भी बिहार सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और उनके पूरे कर्मचारियों को बाल बच्चे भूखमरी के कगार पे है। हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि बिहार सरकार को तत्काल निर्देश दिया जाए, इनकी मांग को पूरा किया जाए। धन्यवाद।